हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और जो है कि काफ़ी जैसे ऐसे भाई हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, आप लोग भी हमारे वीडियो देखते होंगे। और जो है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा यानी हम लोग सोचते हैं कि उसका अगर वायरल हो गया है वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक लगवाने से, जैसे वो लगाया था हम भी लगाएंगे तो हमारा भी वीडियो वायरल हो जाएगा, यही थोड़ा सा हम थिंकिंग आ जाता है हमारे दिमाग में, तो हम भी लगा देते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये पता नहीं था आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और आज हमको पता चला कमेंट के माध्यम से। आप जैसे आप लोग कमेंट किए हमको बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाइए, तो सॉरी दोस्तों, आज से हम लोग भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाएंगे। अगर वैसा कोई वीडियो रहेगा तो हम लोग ज़रूर लगाएंगे, और ऐसे नहीं लगाएंगे आज से। तो है कि बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोग बंद कर दिए लगाना। और देखिए दोस्तों, धूप जो है कि अभी हल्की फल्की है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और ठंड का मौसम है तो अभी जो है कि सबका तबीयत खराब बारी बारी से हो रहा है हमारे घर में भी। और जैसे पहले जो है कि उम्मीद का तबीयत खराब हुआ था, फिर इसी का हुआ, अभी जो है कि रात से पैदल का भी तबीयत खराब है, और हम तो ठीक ही ठाक हैं दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और कृपा हम लोगों पर बनाए रखें, ताकि जो भी थोड़ा मुसीबत आती है वो किसी तरह से हम लोगों का टल जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आप लोगों को थोड़ा सा जो है कि कल से बातें कराएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है कि लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो काजल से भी बात कराते हैं। ऋषि का भी उस जगह है, ये देखिए खाट पर बैठी हुई है काजल चादर उधर तौन करके। तो हाय, देखिए ऋषि का मेरे गोद में आने के लिए एकदम पूरा आपको फोन कर रही है। ऋषिका का भी तबीयत खराब है, ये काफ़ी रात में जो है कि ये सोती नहीं है ठीक तरह से, और काजल जो है कि काफ़ी परेशान हो जाती है इसको सुलाने में। और साथ में उम्मीर का जो कि बार बार रात में दूध मांगता है ये पीने के लिए, भूख लग जाता है तो जो है कि इसका अभी तबीयत पता नहीं किसके वजह से खराब हो गया है, रात में जो जग के रहती है उसके वजह से खराब हुआ। तो चलिए इन्हीं सब पूछते हैं थोड़ा सा। थोड़ा आप लोगों को जो ऋषिका का जो है रोने की आवाज़ आती होगी, तो थोड़ा जो है कि वीडियो को करते हैं बंद। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग? अच्छे और स्वस्थ होंगे? तो ऋषिका का भी काफ़ी पूरा तबीयत खराब हो गया, रात में सोता नहीं, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ है। ऋषिका के वजह से मेरा भी तबीयत खराब हो गया रात से। यहाँ पर कितना रो रही थी ऋषिका, ऋषिका को लेके गई है घुमाने उनके पापा ने, तो देख लीजिए ऋषिका कहाँ है, बस पे बैठ गया है। लोगों को पता चल ही गया होगा कि काजल का तबीयत किस तरह से, किसके वजह से खराब हुआ है। और चलिए आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तक के लिए यहीं, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।